पेरिस ओलंपिक्स के मैदान में तारीखी लम्हात, पाकिस्तानी जेवलिन थ्रो अरशद नदीम को फाइनल में तारीखी कामयाबी पर गोल्ड मेडल पहना दिया गया। 40 साल बाद ओलंपिक्स में कौमी तराने की गूंज, अरशद नदीम आज पेरिस से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। पूरी कौम को फख्र पाकिस्तान की वापसी का बेसब्री से इंतजार। कौमी एथलीट अरशद नदीम को गोल्ड मेडल पहना दिया गया। कौमी एथलीट अरशद नदीम को गोल्ड मेडल देने की तकरीब, अरशद नदीम को गोल्ड मेडल देने के बाद कौमी तराने की धुन बजाई गई, परचम बुलंद किया गया। कौमी तराने की धुन बजते ही अरशद नदीम की आंखें नम हो गईं। कौमी एथलीट अरशद नदीम ने जावेलिन फाइनल में गोल्ड मेडल जीता। रिदम में था और पुरुमीद था कि गोल्ड मेडल जीतूंगा, मेरा दिन था, इससे ज्यादा दूर भी थ्रो कर सकता था। फख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम ने दुनिया भर के एथलीट्स को खबरदार कर दिया। कहा 14 अगस्त को जश्न आजादी गोल्ड मेडल के साथ मनाएंगे। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा भी अरशद नदीम की दमदार थ्रो के बाद बड़े दबाव में आ गए। वो हदफ के ताकुब में सिर्फ एक ही थ्रो फेंक पाए जो उन्हें सिल्वर मेडल तक पहुंचा गई। अगर वो समझदारी ना दिखाते तो तमाम थ्रोस मिस करके गोल्ड के चक्कर में तमाम मेडल से भी महरूम हो सकते थे। एक जानिब एक मेडल, दूसरी जानिब 5 मेडल, मगर पाकिस्तान फिर भी भारत से आगे। अरशद नदीम की एक थ्रो भारत को 11 दर्जे नीचे फेंक दिया। पाकिस्तान का एक गोल्ड मेडल भारत पर भारी, चांदी और कांसी सोने की चमक में मांद पड़ गए। एक चांदी और 4 कांसी के तमगे जीतने के बावजूद भारत ओलंपिक्स रैंकिंग में 64वीं पोजीशन पर, लेकिन अरशद नदीम के गोल्ड की बदौलत पाकिस्तान 53वें नंबर पर पहुँच गया। अब क्रिकेट नहीं, जेवलिन थ्रो में भी पाक भारत टाकरे नजर आएंगे। भारत के नीरज चोपड़ा 90 मीटर से कम थ्रो पर टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने, लेकिन अरशद नदीम ने उन्हें पेरिस में गोल्ड लेने से रोक दिया। पहले ही बड़े मुकाबले में नीरज चोपड़ा के पसीने छूट गए। अब वो खुद कह रहे हैं कि 90 मीटर से ऊपर जाना होगा। अरशद ने साबित कर दिया कि उसके बाजू में कितना दम है। तारीख साज कामयाबी पर आलमी मीडिया भी अरशद नदीम की कारकर्दगी पर अश अश कर उठा। बीबीसी ने कहा भारत के नीरज चोपड़ा का टाइटल अब अरशद नदीम का हो गया। सीएनएन ने भी अरशद नदीम के खबर को शह सुर्खियों में जगह दी। अरब मीडिया ने अरशद नदीम के थ्रो पर खसूसी वीडियोस शेयर की। अल जजीरा ने लिखा अरशद नदीम पाकिस्तान को मेडल जितवाने में कामयाब हो गए। माएँ सबकी सांझी होती हैं, माओं के दिल भी बहुत बड़े होते हैं। सिल्वर मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा की वालिदा ने अरशद नदीम के लिए कहा गोल्ड मेडल जिसको मिला वो भी अपना ही लड़का है, हर किसी का दिन होता है, आज पाकिस्तान का दिन था। अरशद नदीम की वालिदा ने कहा बेटे ने मुल्क का नाम रोशन किया, मेरी दुआएँ रंग ले आईं। कौमी असम्बली के ऐवान का अरशद नदीम को ज़बरदस्त खराज तहसीन, करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया कि ऐवान अरशद नदीम के कारनामे पर उन्हें सलाम पेश करता है, अरशद नदीम को आला तरीन सिविल एजाज दिया जाए। कामयाबी ने जश्न आज़ादी की खुशियों को दोबाला कर दिया। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के अरशद नदीम को पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। सरफराज अहमद, उमर अमीन, उमर गुल समेत दीगर कौमी क्रिकेटर्स ने जेवलिन थ्रो फाइनल टीवी पर बराह रास्त देखा। गोल्ड मेडल जीतने पर क्रिकेटर्स खुशी से झूम उठे। उनका कहना था कि अरशद नदीम ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। कौमी क़यादत अरशद नदीम के कारनामे पर
खुशी से निहाल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, अरशद नदीम पूरी कौम का फख्र हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, अरशद नदीम ने पाकिस्तानी कौम को एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा दिया। मुसल्ला फौज भी कौम की खुशियों में साथ साथ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की अरशद नदीम के ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने पर कौम को मुबारकबाद। आईएसपीआर ने कहा, ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए शानदार कामयाबी अरशद नदीम के लगन का सबूत है। अरशद नदीम ने पाकिस्तानी अवाम के लिए बेपनाह फख्र और मुसर्रत दी है। जिला खैबर की वादी तेरह में फोर्सेज और खवारजियों के दरमियान फायरिंग का तबादला। चार खवारिज जहनूम वासिल। आईएसपीआर के मुताबिक पाक फौज के तीन जवान खवारजियों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। शहदा में हवालदार इनाम गुल, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही अल्ताफ खान शामिल। इलाके में पाए जाने वाले खवारिज को ख़त्म करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वफाक और सिंध हुकूमत का गवर्नर सिंध की तब्दीली पर इत्तफाक हो गया। ज़राए के मुताबिक नून लीग बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाने की ख्वाहिशमंद है। आइंदा चंद रोज में अहम फैसला मुतवक्के है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, आज अदलिया चाय की प्याली में तूफान बरपा कर रही है। एक जमात को फायदा पहुंचाया गया, जो मांगा नहीं वो भी दे दिया। पाकिस्तान की अदलिया को दुनिया की बेहतरीन अदलिया ही कहूंगा, क्योंकि ये डैम भी बनाती है, समोसे टमाटर की कीमतों का तयन भी कर सकते हैं। बिलावल कन्फ्यूजन का शिकार हैं। हुकूमत की नाकामी नज़र आने पर बौखला से गए हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम मैंडेट चोरी में बराबर के शरीक हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, अलामती भूख हड़ताली कैंप मुअत्तल करने और योम आज़ादी जोश खरोश से मनाने का ऐलान। कहा, 13 अगस्त को सब पाकिस्तान का झंडा लेकर निकलेंगे, 14 अगस्त को आइन और जमहूरियत पर सेमिनार मुनक़द कराए जाएंगे। असद कैसर का कहना था, हम अदलिया के साथ खड़े हैं। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, मुल्की मफाद सियासी मफाद से ऊपर होना चाहिए। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा, वक्त हाथ से नहीं निकला, सबको मिलकर चलना चाहिए। किसी ने गलती की है दरगुजर करें, अगर साजिश की है तो ज़रूर सजा दें, जिसका मैंडेट है उसको दिया जाए। दानियाल अजीज़ ने सवालात की बौछार कर दी, बोले FBR से एकदम लोग निकाले गए, PIA की निचकारी में देर क्यों हुई, डिस्कोस की भी निचकारी नहीं होगी, तमाम डिस्कोस MYT पर हैं, डिस्कोस के बोर्ड्स के पास क्या इख्तियार हैं। हुकूमत ने हमसे तहरीरी मुहायदा किया है, बिजली की कीमत में कमी, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का खात्मा। मुहायदे में IPPs के हवाले से भी बातचीत शामिल है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेम का पिंडी में जलसे से खिताब। कहा, जमात इस्लामी का अपना कोई जाती मफाद नहीं था। हम रेस्टोरेंट हटाने निकले थे, यहाँ तो हाउसिंग सोसाइटीज निकल आई। ब्यूरोक्रेट्स और जर्नैलों ने टेक ओवर कर रखा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। चेयरमैन वाइल्ड लाइफ बोर्ड को अहदे से हटाने के केस में काजी फैज़ ईसा ने मामला फौरी तौर पर वज़ीर आज़म के नोटिस में लाने की हिदायत कर दी। कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को ख़त्म करने की कोशिश की गई, इससे संगीन तौहीन अदालत क्या होगी। अटॉर्नी जनरल की इन चैम्बर ब्रीफिंग की दरख्वास्त मुस्तरद। कहा, हम चैम्बर में कुछ नहीं करते, जो करते हैं सामने करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मस्जिद नबी के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अलबुदीर की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा, मस्जिद नबी के इमाम का दौरा पाकिस्तान के आवाम के लिए बाइस फ़ख्र है। डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अलबुदीर ने कहा, पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में अहम मकाम का हामिल है, पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। हंगो में वोकेशनल कॉलेज के सामने GT रोड पर IED धमाका, एक शख्स जान बहक, एक जख्मी। बनू में मजंगा रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग, गाड़ी पर फायरिंग की। SHO खालिद खान और दो गनमैन जख्मी।
हमलावरों की फायरिंग से एक शख्स जान बहक, दो जख्मी। कराची में डकैत पुलिस के निशाने पर, गुलशन मेमार गार्डन सिटी के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला, जख्मी समेत दो डकैत गिरफ्तार। पुलिस एहलकारों ने दो मशहूर अफराद को तलाशी के लिए रोका, जिस पर मुलजमान ने फायरिंग कर दी। सोल्जर बाजार पुलिस का एक्शन, डकैत गिरोह के दो कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से असलहा, नकदी और छीना गया मोटरसाइकिल बरामद। क्लिफ्टन शाह रसूल कॉलोनी में फायरिंग से एक शख्स जख्मी। फायरिंग का वाकया झगड़े के दौरान पेश आया, फायरिंग करने वाला गिरफ्तार, असलहा बरामद। पाकिस्तान में पोलियो का 14वां केस सामने आ गया। बलूचिस्तान के ज़िला किला सैफुल्ला में 20 माह की बच्ची पोलियो वायरस से मुतासर। ये रवा साल बलूचिस्तान के ज़िला किला सैफुल्ला से आने वाला पहला केस है। सूबे में अब तक मुतासर हो चुके। पंजाब और सिंध में मूसलाधार बारिशें, दरियाओं की सतह बुलंद। कोट अद्दू तौंसा बैराज के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। राजनपुर में भी मुतादद देहात डूब गए। सियालकोट के नाला एक में ऊंचे दर्जे का सैलाब, सैकड़ों एकड़ अराजी जेरे आब। इसराइल के गजा में बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 15 फलस्तीनी शहीद, 30 से ज्यादा जख्मी हो गए। अलमवासी कैंप पर फिजाई हमले में दो बच्चों समेत 5 फलस्तीनी शहीद। शौदा की मजमूनी तादाद 39,720 हो गई। 91,800 से ज्यादा जख्मी हो चुके। और जश्न आजादी के रंग, शहर शहर सब हिलाली परचम लहराने लगे। बच्चों ने घरों बालकनियों में परचम लगा दिए। गलियों बाजारों में हरे रंग की बहार। झंडियों और बैजेस की खरीदारी भी जारी। बांग्लादेश में नए दौर का सूरज तुलू। उबूरी हुकूमत के सरबरा डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ढाका पहुंच गए। एयरपोर्ट आमद पर पहले खिताब में आप दीदा हो गए। कहा वापस ढाका आकर खुशी महसूस हो रही है। ये भी कहा कि हसीना वाजिद को महफूज रास्ता देना हिमाकत थी। डॉक्टर यूनुस ने कहा, हमें अपनी आज़ादी का तहफ़ करना और अमन कायम करना है। भारत अपनी खारजा पॉलिसी पर नजर ानी करे। साजिश के तहत बांग्लादेश में अकलीतों पर हमले किए गए। इससे बचने के लिए हिकमत अमली बनाना होगी। मुल्क को माशी मुश्किल से निकालेंगे, मुतहद होकर मुल्क को तरक्की राह पर गामजन करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस और काबीना पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 7 बजे हल्फ उठाएंगे। उधर बांग्लादेश में जिंदगी मामूल पर आने लगी। तालीमी इदारे, गारमेंट्स फैक्ट्रियां दोबारा खुल गई। चेक सड़कों पर ट्रैफिक भी दवा दवा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।